खरगोन जिले के सनावद में नाग पंचमी पर्व पर सुबह से ही नाग मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। बस स्टैंड स्थित प्राचीन नाग मंदिर में, जो कि भव्य स्वरूप है, इस मंदिर पर प्राचीन नाग देवता की मूर्ति पर लोगों की आस्था है कि नारियल और दूध का अभिषेक करने से साल भर में उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान नाग की उन पर कृपा दृष्टि रहती है जो लोग मान मन्नत वाले होते हैं। वह भी इस मंदिर पर आस्था के साथ नारियल और दूध चढ़ाते हैं और उनके मन्नत पूरी होती है। मंदिर के पुजारी आनंद जोशी ने बताया कि प्राचीन मंदिर है और सुबह 5 बजे पूजन आरती के बाद भक्तों के इसी तरीके से लाइन लगी रहती है और भक्त आते हैं और अभिषेक, दूध और नारियल फोड़कर अपनी आस्था और पूजा अर्चना करते हैं। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट। मंदिर ये 170 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, बाबा का प्राचीन नाग मंदिर है। यहाँ पर बाबा नाग देवता साक्षात रूप से दर्शन देते थे और उसके बाद में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी के घर में संतान भी होती है, उनके घर संतान होती है और जिसको भी अपनी जो भी मन की बात होती है वो बाबा के सामने अर्जी लगाते हैं, बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज यहाँ पर नागपंचमी को लेकर भक्तों का तांता कब से लगा हुआ है? आज नागपंचमी सवेरे 4 बजे नर्मदा स्नान के बाद में बाबा का रुद्र अभिषेक हुआ और उसके पश्चात बाबा की आरती हुई 5 बजे और 5 बजे से भक्तों का तांता लगातार इस तरीके से ही लगा हुआ। मंदिर समिति की ओर से ये नागपंचमी के ऊपर होने वाले आयोजन को लेकर बताएं। नाग मंदिर समिति की ओर से 191 किलो शुद्ध घी की मूर्ति बनाकर प्रसाद वितरण किया जाता है। हर सोमवार आकर्षण श्रृंगार होते हैं, महाआरती होती है, प्रसादी वितरण होती है, विद्युत सज्जा से लाइटिंग और डेकोरेशन वगैरह सब नाग मंदिर समिति की ओर से होता है। अपना परिचय देते। मेरा नाम आनंद कुमार जोशी, पिता रघुराज जोशी, मेरे पापा नगर पालिका में सर्विस करते थे और बस स्टैंड नाग मंदिर में बचपन से मैं यहाँ पूजा करता हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।